अगर आपके भी कोई गंदे कपड़े हैं तो आप सनम, सारे गंदे कपड़े इकट्ठा कर लिए? हाँ, बस एक मिनट। ओए माँ, अल्लाह बड़ी फुर्सत से तराशा है। वैसे मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तो हूं ही। क्या वो रहे गंदे कपड़े? जाती हूँ। कब जाओगी? वैसे कहते हैं कि चाहने वालों की कभी बुरी नजर नहीं लगती। मैं तो हुई चुई मुई। मैं ऑफिस जा रहा हूं, शाम को जल्दी आऊंगा।
सही हो गया। उतरो। अरे लाओ लेके। हो गया। लीजिए बेगम साहिबा, इस पे वो डाल दिया है। कूड़ा। क्या बोल रहे हैं? अरे वो जो रास पे डालते हैं ना। पर्दा। ये क्या है? दीवार। और ये क्या है? तस्वीर। तो बेगम साहिबा, इस दीवार पे वो तस्वीर डाल दी है। अब ये सील बंद है। हाँ। जैसा आप चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम दोनों अपनी मनहूस शक्लें लेकर यहाँ से जाओ। जाए? हाँ जाओ। देखा रजिया भी? कितना आसान था। अब उसे अपने अम्मी अब्बू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। रजिया भी, हमारा गुजरा हुआ कल हमारे सामने आकर कभी खड़ा नहीं हो सकता। कभी नहीं। नहीं क्यों मम्मी अब्बू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग मेरे बहुत करीब हैं। काश मैं उन लम्हों को दोबारा से जी पाती जो मैंने आप लोगों के साथ बिताए। माशाल्लाह बेगम साहिबा, बहुत खुश लग रही हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस खुशी पर नजर लग जाए बिल्लू रानी। अभी तो सिर्फ एक मुसीबत टली है, दूसरी मुसीबत तो बाकी है। कौन सी मुसीबत? ये जो दीवारें हैं ना, इनको बंद कर कर तुम बेशक खामोश कर दे, लेकिन दिलशाद, अरे उसने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? मैंने सनम को फोन पर बात करते हुए सुना था, दिलशाद पहले से बेहतर है। सोच लो, अगर वो कोमा से बाहर आ गई तो तुम्हें सदमा जरूर दे सकती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने ही मेरे पीठ पर छुरा मारेंगे। हया, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हम यहां बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम सोच रही हो ना कि हम कहाँ रहेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। और फिर दिलशाद बीबी हमारे साथ रहेंगी।
अजू तुम हमारे साथ? भाई मेरी दुनिया है ना आप ही के साथ है, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। नर्स, अब कैसी तबीयत है इनकी? नर्स हम पूछ रहे हैं कि कैसी तबीयत है इनकी? थैंक यू कर्नल, थैंक यू। ये सारे बॉक्सेस अंदर वाले कमरे में रख दीजिए। भाईजान, क्या खूबसूरत घर है। I mean it's fantastic, it's beautiful. बहुत ही खूबसूरत घर है, लेकिन इतनी जल्दी इंतजाम कैसे हो गया? तुम्हें वो कर्नल याद है जो पार्टी में मिले थे? ये फार्म हाउस उन्हीं का है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया। भाई एक बात बताओ, हमारा कमरा कौन सा होगा? हमारा नहीं, तुम्हारा। कम से कम यहाँ तो अपने लिए कमरा सेलेक्ट कर लो प्लीज। या ऑफ कोर्स, मैं एक कमरा तो दो चार कमरे सेलेक्ट कर लूं, लेकिन एक बात याद रखना, सोऊंगा मैं आपके साथ ही रात को, प्लीज। तुम जाओ अपने लिए कमरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है? भाईजान, आप तो जानते हैं ना कि मुझे ये बैकडोर एंट्री बहुत पसंद है, तो वो जो पीछे वाला कमरा है ना वो तो मैं ही लूंगा। नहीं, वो मेरा कमरा है। रियली? वैसे कहते हैं अगर कोई एक चीज दो लोगों को पसंद हो तो किसी ना किसी एक का दिल तो जरूर टूटता है। अगर तुम अपना दिल टूटने से बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा।
तो जो उस कमरे तक पहले पहुंचेगा भाग कर, वो कमरा उसका। शुक्रिया अल्लाह, हया जैसी इंसान और फैज जैसा भाई हर किसी के नसीब में नहीं होते। इन दोनों ने मेरी जिंदगी में नए रंग भर दिए हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी दोनों एक दूसरे के साथ कितना घुल मिल गए हैं। बस अब दिलशाद भी जल्दी से आ जाए, फिर हम सब साथ में खुशी खुशी रहेंगे। और उनके आते ही मैं हया को अपने दिल की बात कह दूंगा। कौन है? मैं हूं बेगम साहिबा सना। और बेगम साहिबा आप यहां? सना बेटा, वो क्या है ना, दिल बहुत घबरा रहा था, तो ऐसा लगा जैसे अब किसी अपने पर मुसीबत आने वाली है, तो बस तुम्हारी बड़ी अम्मी का ख्याल आया, सब उन्हें देखने आके। बेटा अब बहुत अच्छी हैं बेगम साहिबा, सबका इतना ख्याल रखती हैं आप। पर वो क्या है ना, डॉक्टर ने बड़ी अम्मी के पास किसी को भी रहने से मना किया है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। चलो बेटा मैं माफ़ कर दूँ। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, पर मैं आपको बता दूँ कि बड़ी अम्मी अब पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई सनम बेटा। जानती हो सनम बेटा, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बहू खुश है। शुक्रिया बेगम साहिबा, सबकी फिक्र है आपको। पर माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी है कि बड़ी अम्मी के पास कोई नहीं रहेगा। हाँ क्या अल्लाह, माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, वो डॉक्टर ने मुझे कोई दवा लाने के लिए कहा था और मैं भूल गई। मैं अभी आती हूँ। हाँ गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती। जिस वक्त हमने तुम्हारे खानदान को खत्म किया था, उसी वक्त हमें तुम्हें भी मौत की नींद सुला देना चाहिए था। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा गुजरा हुआ कल 20 साल के बाद वापस हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। खैर, गलती जितनी जल्दी सुधर जाए उतना ही अच्छा है। कल हम किसी भी हाल में अपने गुजरे हुए कल की परछाई को मिटा देंगे। शायद हम वापस आएंगे, जरूर वापस आएंगे।